जेडीयू ने बीजेपी को दिया झटका, सरयूराय हुए जेडीयू में शामिल। पिछले दिनों से लगातार खबर ये आ रही थी कि सरयू राय जो है उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा जो है वो जेडीयू से गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी या फिर जो है वो उसकी पार्टी का विलय जेडीयू में हो जाएगा। हालांकि बीजेपी इस पर राजी नहीं थी, लेकिन अब जो खबर आई है वो बीजेपी के लिए एक झटका है। रघुवर दास लगातार ये कोशिश कर रहे थे, ये दबाव बना रहे थे भाजपा पर कि सरयू राय या उनकी पार्टी का जो विलय है वो भाजपा में ना होने पाए, लेकिन अब खबर यही है कि सरयू राय जो है वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, यानी भारतीय जनतंत्र मोर्चा पार्टी का विलय जेडीयू में हो गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जो हैं उनकी मौजूदगी में अशोक चौधरी, श्रवण कुमार जो जेडीयू के कद्दावर नेता हैं उनकी उपस्थिति में सरयू राय ने जो है वो कह सकते हैं कि जेडीयू में शामिल हो गए हैं। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष शिरू महतो भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि जब ये खबरें आ रही थी कि सरयू राय जो है वो जेडीयू में पार्टी का विलय नहीं कर पाएंगे, उस वक्त जो शिरू महतो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा कि सरयू राय नीतीश कुमार के पुराने दोस्त हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं। अब जेडीयू की मांग क्या है? जेडीयू की मांग है कि वो झारखंड में जो है वो सीटें दें। और फिर शिरू महतो ने ये भी कहा कि 2019 का विधानसभा चुनाव याद होगा, बीजेपी इसलिए हार गई, इसलिए सरकार में नहीं आ पाई क्योंकि जेडीयू के साथ उसका गठबंधन नहीं था। अब जेडीयू ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है भाजपा पर, वह कुछ सीटें जो हैं वो झारखंड में चाहती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा जो सरयूराय को पसंद नहीं करती है, रघुवर दास जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनको सरयूराय ने हराया, उनके नाकों में दम कर दिया था, सरयूराय की वजह से ही रघुवर दास का राजनीतिक करियर खत्म हो गया, इस वक्त वो राज्यपाल बने बैठे हैं। क्या भाजपा सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी जहाज से वो विधायक हैं, क्या वो सिटिंग सीट भी भाजपा उनके लिए छोड़ेगी? जेडीयू हना की बहुत सीटों की मांग तो जरूर कर रही है, लेकिन अब उसने ऐसा खेल खेला है कि कम से कम एक सीट जमशेदपुर पूर्वी तो जेडीयू को देना ही पड़ेगा। क्या भाजपा ऐसा करेगी? भाजपा पर दबाव भी है क्योंकि इस वक्त केंद्र में जेडीयू के साथ जो है गठबंधन है और जेडीयू के सांसदों की वजह से मोदी सरकार टिकी हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा आलाकमान पर इस बात का दबाव भी है कि नीतीश कुमार के बात को माना जाए। और जिस तरीके से जेडीयू के दिग्गज नेताओं ने साफ कर दिया कि जो सरयू राय हैं और नीतीश कुमार है वो दोनों पुराने दोस्त हैं, इसलिए जो है सरयू राय जो है वो जेडीयू में शामिल होंगे ही, अब शामिल हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा पर इसका क्या रिएक्शन आता है। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।